इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपके एंड्रॉयड फ़ोन में यूआई स्टॉपिंग दिखाता है तो आपको क्या करना चाहिए। देखिए, फ़िलहाल हमारे फ़ोन में कोई एरर नहीं है। कभी आप सोचते हो कि हमारे फ़ोन में एरर आ रहा होगा, ठीक है, यहाँ पर कोई एरर नहीं, ठीक ठाक चल रहा है यहाँ पर, बट अनफॉर्चुनेटली कभी भी ये इशू जो है क्रिएट हो सकता है। तो क्या क्या स्टेप्स हमें लेने पड़ेंगे, और देखिए स्टेप्स ही हम ले सकते हैं, प्रॉपर इसका सोल्यूशन कहीं पर नहीं है। प्रॉपर सोल्यूशन सिर्फ इसका यही है कि हार्ड रिसेट मार लीजिए, अगर आपके पास अपडेट आ रहा हो तो अपडेट कर लीजिए, बट यही दो सोल्यूशन रहते हैं। बट इन दोनों में से आप कुछ भी नहीं करना चाहते तो एक अलग सिचुएशन हो जाती है। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, देखिए सबसे पहले सेटिंग्स में जाना है। सबसे पहले यहाँ पर आप होम स्क्रीन पर जाइए। होम स्क्रीन पर जाने के बाद यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगा होम स्क्रीन आपकी। यहाँ पर ज़्यादातर जो है क्लासिक वाली लगनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर अगर आप ये लगाना चाहें विद ऐप ड्रॉवर तो उसे भी आप सेट कर सकते हैं, बट क्लासिक वाली ठीक ठाक रहती है, यहाँ पर डिफ़ॉल्ट ही आती है। और सिस्टम लॉन्चर में एक्स्ट्रा कोई भी लॉन्चर नहीं होना चाहिए, और अगर ऐसा सिस्टम लॉन्चर में आपका एरर आता है तो उस सिचुएशन में आप कोई अच्छा सा लॉन्चर डाउनलोड कर दीजिए, ठीक है, जो कि यहाँ पर थोड़ा ठीक ठाक हो। यहाँ पर आप सर्च करिएगा लॉन्चर, अगर मतलब आ रहा हो इशू तभी आप इसको इंस्टॉल करिएगा और इसको रन कर लीजिएगा पूरा का पूरा, ठीक है। बाकी आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ पर आप यहाँ से डिफ़ॉल्ट से अपने वाले लॉन्चर को ही लगा लीजिएगा, ठीक है। इतना आप प्रोसेस करिएगा, उसके बाद बैक लाइएगा और यहाँ पर ऐप्स में जाइएगा, मैनेज ऐप्स में जाइएगा और यहाँ पर सर्च करिएगा सिस्टम लॉन्चर को, और यहाँ से इसका डेटा क्लियर कर दीजिएगा, ठीक है, और सिस्टम यूआई को भी यहाँ से डेटा क्लियर कर दीजिएगा। तो आपको इतना प्रोसेस करना है, ठीक है, और अपनी सेटिंग्स में भी एक दफ़े डेटा क्लियर कर दीजिएगा, कभी कोई डिफ़ॉल्ट सेटिंग लग रही हो तो उसमें भी ये इशू सॉल्व हो जाए, तो यहाँ से उसका भी डेटा क्लियर कर दीजिएगा। तो इतना ही प्रोसेस करेंगे ना तो फिर आपकी जो प्रॉब्लम होगी फिर वो सॉल्व हो जाएगी। तो ये प्रोसेस रहता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।